हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल इशरीज किचन में। और आज हम मेथी मटर मलाई बनाने जा रहे हैं, जो कि है विंटर स्पेशल और बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम तेल अच्छे से गरम कर लेंगे। जब ये तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम कुक होने देंगे। आप इसको लिड से भी कवर कर सकते हैं और 8-10 मिनट के लिए इसको हम ढके रहने देंगे। फिर लिड को रिमूव करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा कटा हुआ लहसुन और हमारा ग्रेटेड जिंजर, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इसको लिड से कवर करते हुए हम इसको 5-7 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा, हम लिड को रिमूव करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारी टमाटर प्यूरी, और इसको मिक्स करते हुए हम इसको 10-15 मिनट के लिए इसको पकने देंगे लो फ्लेम पे। तब तक हम एक और पैन ले लेंगे और उस पर हम तेल को गरम कर लेंगे, और उसमें हम डालेंगे हमारा मेथी, और मेथी को हम 8-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और जब ये हमारी मेथी अच्छे से भून जाएगी, हम इसमें डालेंगे हमारे मटर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम कुक करेंगे 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और हमारी मेथी और मटर अब रेडी है, और इसको हम साइड में रख देंगे। हमारे टमाटर भी अब रेडी हो जाएंगे। हम इसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस। पहले हम डालेंगे नमक, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर हम इसमें डालेंगे अमचूर। अमचूर के बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 8-10 मिनट के लिए और इसको पकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे भुना हुआ मटर और मेथी, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम लो फ्लेम पर डालेंगे हमारी फ्रेश क्रीम, और जब हम क्रीम डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है फुलकी के साथ। लिड से कवर करेंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। और हम देख सकते हैं हमारी मेथी मटर मलाई अब तैयार है सर्व होने के लिए। आप इसको रोटी के साथ सर्व करिए एंड एंजॉय। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एंड फॉलो अस। थैंक यू।